देश को कोरोना के कहर से बचाने के लिए सरकार ने लॉकडाउन जारी कर रखा है। लोग घरों में बैठे हैं, ऐसे में दूरदर्शन पर महाभारत को दोबारा शुरू कर दिया गया है ताकि लोग बोर ना हों और घरों में बैठकर महाभारत देखकर अपना वक्त गुजार सकें। डीडी भारती पर शुरू किए गए महाभारत ने एक बार फिर कई लोगों को पुराने दिनों की याद दिला दी है, तो वहीं नई पीढ़ी को भी अपने गरिमामय इतिहास को जानने का मौका मिल रहा है। वैसे तो महाभारत का हर किरदार अपने आप में खास है, लेकिन महाभारत में भीम का रोल बेहद पसंद किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाला शख्स खेल में भी अपनी धाक जमा चुका है? वो एशियाड खेलों में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। जी हाँ, महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार सोबती लंबी चौड़ी कदकाठी के लिए पहचाने जाते हैं। वे भारत के हैमर थ्रो खिलाड़ी रहे हैं। प्रवीण ने कई प्रतियोगिताएं भी जीती हैं। 1966 के कॉमनवेल्थ गेम्स में डिस्कस थ्रो के लिए उनका सिलेक्शन किया गया था। तब भारत ने एथलेटिक्स में 11 मेडल जीते थे, जिसमें 5 गोल्ड 5 ब्रॉन्ज मेडल्स थे। प्रवीण कुमार सोबती ने उस वक्त 2 मेडल हासिल किए थे। बैंकॉक में एशियाड में उन्होंने डिस्क थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया था। उन्होंने हैमर थ्रो में ब्रॉन्ज भी पाया था। 1970 में भी टूर्नामेंट में गोल्ड जीते थे। 1974 में प्रवीण कुमार सोबती ने तेहरान में सिल्वर मेडल जीता था। प्रवीण कुमार सोबती बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूर्व जवान भी हैं। 1967 में प्रवीण कुमार सोबती को अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। ये बात तो सभी जानते हैं कि बीआर चोपड़ा की महाभारत में प्रवीण कुमार द्वारा निभाया गया भीम का किरदार बेहद पसंद किया गया है। 5 पांडवों के भाइयों में भीम के रोल में प्रवीण कुमार सोबती का अंदाज सबसे अलग ही दिखाई दिया। हालांकि उन्हें इतने शानदार खिलाड़ी होने के बावजूद इतनी पहचान कभी नहीं मिली थी जितनी कि महाभारत में भीम का किरदार निभाने के बाद मिली। 6 दिसंबर 1947 को जन्मे प्रवीण कुमार सोबती को दमदार शरीर बनाने में 3 साल लग गए थे। इसका खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। प्रवीण कुमार ने बताया था कि एक भी दिन ऐसा नहीं रहा होगा जब वो सुबह 3 बजे ना उठे हों। उस वक्त गांव में कोई जिम जैसी सुविधा नहीं थी। प्रवीण कुमार की माँ घर में जो चक्की अनाज पीसने के लिए इस्तेमाल करती थी, उसी की सिल्लियों का वजन उठाकर वो ट्रेनिंग करते थे। सुबह 3 बजे से सूरज निकलने तक वो ट्रेनिंग किया करते थे। 3 साल की कड़ी मेहनत और देसी खुराक से प्रवीण कुमार सोबती ने दमदार बॉडी तैयार की थी। तो दोस्तों, ये है गोल्ड मेडलिस्ट प्रवीण कुमार सोबती के बीएसएफ के जवान से महाभारत के भीम बनने तक का शानदार सफर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और हाँ, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें।